हाय फ्रेंड, तो आप लोग इमला लिखने से पहले इसको स्टॉप कर करके एक दो बार पढ़ लें ताकि इमला लिखने में कोई गलती ना निकले। भूमिगत जल की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग से सिंचाई एवं औद्योगिक औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करने से तालाबों पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रखरखाव न होने से घरेलू कार्यों के लिए पंप से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालने से वर्षा के जल को एकत्र न करने से प्राचीन काल से ही जल की महत्ता उसकी सफाई और उसके स्रोतों
कुएं, तालाब, नहर, बावड़ी इत्यादि का निर्माण जनता की भलाई का कार्य समझा जाता था। भारतीय शासक जल के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक थे। मौर्य काल में लोग जल के महत्व से भली भांति परिचित थे और जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर कुएं खुदवाए पीयू बनवाए। गुप्त शासकों के द्वारा भी जल के संरक्षण का कार्य किया।
गया। सम्राट स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य करवाकर लोगों के जल संकट को दूर किया। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुएं एवं जलाशय के साथ कई बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया गया। भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियां जल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है। जल का संचयन एवं पुनर्भरण किया जाए। यदि हम वर्षा के जल को एकत्र कर भूमिगत जल के रूप में पुनर्भरण करते हैं तो हमें जल
की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षा के जल को भूमिगत जल में संचयन एवं पुनर्भरण की अनेक विधियां हैं। तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना, छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना, पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना, नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्र करना, पिट या गड्ढे द्वारा छत के वर्षा के जल को एकत्र करना। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और जो आपने इमला लिखा है उसको मिलाइए, और जितनी भी गलतियां निकले उनको कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी गलतियां निकलती हैं।